चना चाट को देखते ही आपके मुंह में आ रही है ना पानी। तो यह बना ही इतना चटपटा और स्वादिष्ट है कि किसी का भी मुंह में पानी आ जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विलेज टेस्टी भोजन में। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चना चाट। तो चना चाट बनाने के लिए यहाँ पर हम छोटा दाना वाला चना लिए हैं, जिसे रात भर फूलने के लिए छोड़ दिए थे और यह अच्छे से फूल गया है। चना को एक दो बार अच्छे से धो लेने के बाद अब इसे हम एक कुकर में डालेंगे। चना के ऊपर तक इसमें पानी डालेंगे, आधी चम्मच नमक डाल देंगे। अब इस कुकर का ढक्कन बंद करके चूल्हे पर चढ़ाकर मध्यम आंच पर 3 से 4 सीटी लगने तक पकाएंगे। तो इसमें 4 सीटी लगा लिए हैं और ये देखिए चना बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब चना को हम पानी से छानकर अलग बर्तन में रख लेंगे। अब यहाँ चूल्हे पर एक कढ़ाई चढ़ाए हैं, इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें हम जीरा डालेंगे, आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे, ये डाल देंगे एक चुटकी हींग। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल रहे हैं, तो अभी आधा ही डालेंगे। यहीं पर कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब इस प्याज को लगभग 2 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई टमाटर, इसे भी आधा ही डालेंगे, चला लेंगे इसे। अब इसमें मसाले डालेंगे, तो ये है हल्दी पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर और ये डालेंगे स्वादानुसार नमक। अब इन सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो मसाले अच्छे से भून गए हैं, अब इसमें उबला हुआ चना डालेंगे। इन सभी को अच्छे से मिलाएंगे। मसाले और चना को अच्छे से मिला लिए हैं। अब इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर और ये है भुना हुआ जीरा पाउडर। फिर से इन सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें बाकी बचा हुआ प्याज डालेंगे, बचा हुआ टमाटर भी डाल देंगे, आधी नींबू का रस निचोड़कर डाल रहे हैं, इससे स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बस अब इन सभी को एक बार अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें ऊपर से धनिया का पत्ता डालेंगे। तो आप देख सकते हैं चना चाट दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। तो अब गैस बंद करके इसे चूल्हे पर से नीचे उतार लेंगे। तो अब गर्मा गर्म इस चना चाट को एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट चना चाट बनकर तैयार है। तो आप लोग भी इस चना चाट को घर पर जरूर बनाइएगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा ये। तो कैसी लगी हमारी यह रेसिपी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा।